9 things you don't know about your phone. 9 ऐसी चीज़ें जो आप अपने मोबाइल के बारे में नहीं जानते, जो ये कर सकता है, आपको ताजुब होगा। जैसे कि मैथ का कोई भी सवाल आप सिर्फ क्लिक करें और ये पूरा फार्मूला डिटेल के साथ सॉल्व करके दिखा देगा, और आप कोई सा भी नकली नोट इसके ज़रिए से पहचान सकते हैं सिर्फ एक ब्लैक क्लिक पर। तो ये कैसे करता है और ऐसे 9 चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, सॉल्व मैथ प्रॉब्लम विदाउट कैलकुलेटर। ये आप सुन के बोलेंगे क्या बोल रहा है बे, मैथ के प्रॉब्लम और वो भी विदाउट कैलकुलेटर के, समझ ही नहीं आ रहा कुछ ये क्या कह रहा है। जैसे कि आप कोई सा भी मैथ के सवाल कर रहे हो और आपको इसका जवाब ही नहीं पता होना, ये पता हो कि कौन से फार्मूले से होगा, या फिर आपने कोई भी हिसाब किताब करना है, जो भी करना है, फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस आपने क्या करना है कि इस फोटो ऐप को डाउनलोड करना है। आप इससे जैसे एक ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको पूरा सवाल सॉल्व करके मिल जाएगा। काश ये मेरे 9-10 के पेपर में होता तो मैं फेल नहीं होता। मेरे सब्सक्राइबर 1 ग्रेड ही आएंगे इस ऐप के बाद। नंबर 8, वेट स्केल एस्टिमेटर। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा इसके बारे में बताया जाता है कि वेट स्केल एस्टिमेटर डाउनलोड करो, इसके ज़रिए से आप स्मॉल ऑब्जेक्ट को नाप तोल सकते हैं। जैसे उसमें सेब तोल के दिखाया गया है, कभी कलम तोल के दिखा दिया जाता है, कुछ भी वो लोग तोलते रहते हैं मोबाइल पर। मोबाइल को इन लोगों ने तराजू बना रखा है। अब आप भी हैरान होते होंगे और डाउनलोड करते होंगे, कभी आप भी आम तोलते होंगे तो कभी सेब तोलते होंगे, और आपको बड़ी खुशी होती होगी कि वाह ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये इसका रियल वेट कभी भी नहीं दिखा सकता, ये नहीं दिखाता। मैंने सारे ऐप्स ट्राई करके देते वेट स्केल एस्टिमेटर वाले स्मॉल ऑब्जेक्ट को तोलने के लिए जो होते हैं, लेकिन कोई भी ऐप सही वेट आपको नहीं बताता है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऐप इंस्टॉल करें तो आप नीचे के कमेंट्स रीड करा करें, इससे आपको पता चलेगा कि ये ऐप रियल है या फेक है। 7, माइक्रो फोटो। पहले के लोग माइक्रो फोटो लेने के लिए मोबाइल के स्क्रीन पर बूंदे डालते थे और फिर जाके माइक्रो फोटो और ब्लर फोटो लिया करते थे, और या फिर बच्चों के रेजर के लेंस निकाल कर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगाते थे और फिर माइक्रो फोटो लेते थे, और ये वीडियो दिखाकर वीडियो क्रिएटर बड़े खुश होते थे कि हमने बहुत अच्छा कुछ दिखा दिया। लेकिन अब इन्हीं लोगों की वजह से मोबाइल में 4-4 कैमरे लग गए, जो कि चौथा कैमरा जो है माइक्रो फोटो लेने के लिए लगा दिया गया है। तो अब ये ख़ास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए है जो बच्चों के लेज़र लेके लेंस पर लगाते थे। नंबर 6, मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी के मुताबिक आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, जैसे कि फास्ट चार्जर से नहीं चार्ज करा करो, इससे आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने स्मार्टफोन के 18 वाट के चार्जर से अपने बटन वाले छोटे मोबाइल को चार्ज करता हूँ, सालों से कुछ भी नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, आपसे कहते हैं कि आप 100% चार्ज मत किया करें, इससे आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। वो पहले की बैटरीज़ में होती थी जो पुलती थी, रिमूवेबल बैटरीज होती थी, अब की बैटरीज़ पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। आप 12 घंटे तक मुसलसल चार्ज कर सकते, इससे कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी अब एंड्रॉयड 10 सिस्टम में वो आपको पहले ही चार्ज लगाते वक्त दिखा देता है कि आप ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, हाउ टू क्रिएट फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई के मुताबिक आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें आपको कभी चम्मच से वाईफाई बना के दिखा रहे हैं, तो कभी मोबाइल के चार्जर से, तो कभी आपको ब्लेड से बना के दिखा रहे हैं। अजीब लोग अजीब काम करते हैं, मिलियनों में व्यूज़ आते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से ये लोग देखते हैं, कुछ समझ भी रखते हैं कि नहीं भाई। किसी भी तरीके से आप अपने घर पर वाईफाई नहीं बना सकते हो, ऐसी कोई भी फजूल वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज इंटरनल स्टोरेज। आपने आज इनका रैम रोम कम है, वो इन वीडियो को बहुत शौक़ से देखते हैं कि हम कैसे मोबाइल के स्टोरेज को इंक्रीज़ करें। तो आप कितने ही वीडियोज़ देख के कभी दिखा दे 256 MB बना सकते, कोई बोलता है कितना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप बस एक सिंपल सेटिंग की मदद से आप अपने SD कार्ड के स्टोरेज को अपने मोबाइल फ़ोन के स्टोरेज के साथ अटैच कर लेते हैं, जो आपका इंटरनल स्टोरेज शो करता है। बस ये आपको एक SD कार्ड का ही स्टोरेज दिखाता है। आप कभी भी किसी भी सेटिंग के मदद से मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को और तरीकों से नहीं इंक्रीज कर सकते। एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड के मुताबिक आपने बहुत से बातें सुनी होगी कि आप जो है बारिश के मौसम में आसमानी बिजली से अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं तो फिर आप पर आसमानी बिजली से बचेंगे,
या फिर आप इसे ऑन करेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो जल्दी चार्ज होगी और बैटरी ख़त्म नहीं होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आप एरोप्लेन मोड से सिर्फ मोबाइल के सारे सिग्नल, ब्लूटूथ, वाईफाई और मोबाइल के नेटवर्क के सिग्नल सब ई ऑफ हो जाते हैं जैसे ही आप एरोप्लेन मोड ऑन करते हैं, सिर्फ इसलिए होता है। नंबर टू, टेस्ट योर रिमोट कंट्रोल बैटरीज। ये बात सच है, तौर पर सबके घरों में टीवी लगी हुई होती है। स्मार्टफोन आने के बाद अब बहुत लोग टीवी को नहीं देखते, लेकिन आप लोग के माँ बाप, अम्मी अब्बू ज़रूर देखते होंगे, तो वो टीवी को करीब जाके भी चेक करते हैं तो बैटरी काम नहीं करते, फिर कभी हाथ से मारने लग जाते हैं, फिर क्या करते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि अब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है या रिमोट ख़राब है, तो फिर वो उनको समझ नहीं आते। तो अब आप जब पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल को सामने पकड़ेंगे और मोबाइल का कैमरा खोलेंगे तो मोबाइल का कैमरे में उसकी लाइटिंग पड़ेगी, इससे पता चलेगा कि मोबाइल की बैटरी एकदम सेट है। अगर वो नज़र आएंगी तो, अगर नज़र नहीं आएंगी तो इसका मतलब मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। अबू बोलेंगे कि वाह, हमारा बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। वन यूवी लाइट बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला काम है, जैसे पैसे आते जाते हैं नोट चेक करने के, भाई कोई वो तो नहीं है, तो फिर आप बस मोबाइल का लाइट ऑन करके रहे और दिखाते रहे और आपके नोट चेक होते जाएंगे। तो आप इसके लिए मोबाइल के एक साइड पर ब्लू टेप लगा देंगे और ब्लू लाइट कर देंगे और एक साइड पर रेड कर देंगे, और इसके बाद आप जब उसे खोलेंगे तो आपको नोट के अंदर के निशान ज़ाहिर होंगे, जो बैंक वाले दूसरे तरीक़ों से करते हैं। आप अपने मोबाइल के इस लाइट से भी उसी सेम टेक्निक को अपना सकते हैं। बाहर मुल्कों में तो इसी तरीके से चेक किया जाता है, लेकिन एशिया का नहीं पता कि एशिया में ये काम करता है कि नहीं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कंट्री में ये काम कर रहा है कि नहीं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।